बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ईद के लिए, ईद स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं डिज़र्ट, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है हमने 1 लीटर दूध, इसे शामिल कर देंगे इस तरह एक बर्तन में, और इसे हमने उबाल लेना है पहले। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा दूध, अब हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें शामिल कर लेना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें हमारा कस्टर्ड पाउडर मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे दूध को भी उबाल आ चुका है तकरीबन, अब हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे हद पे ज़रूरत, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम अपना कस्टर्ड शामिल करेंगे और आस्ते आस्ते से चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखें, तो अब इसे पकाना है और अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका था, ये हमने एक लिया है बर्तन, उसको भी हमने ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट केक नीचे, मैंने केक पीस रख दिए हैं नीचे, अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड इतना अच्छा ठंडा भी हो चुका है, गाढ़ा भी ये ठीक ही है। तो अब इस तरह से डालते जाना है, इसे साथ साथ फैलाते जाना है। हमने कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है, अब हम फिर से फ्रूट केक इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमने केक लगाया और जो खाली जगह बची थी वहाँ पे हमने जो केक थी वो तोड़ के लगाए। अब हम दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, इस तरह से कस्टर्ड डालते जाना है और इसके साथ साथ प्लेन करते जाना है ऊपर। देखिए ये प्लेन हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर जो चॉकलेट के हमने बिस्किट लिए थे उन्हें हमने तोड़ लिया था, अब इसके ऊपर लगाएंगे। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर आपको उसके बाद इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं, ये देखें कितना प्यारा सेट हो चुका है। आपने ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है कि आपको आज का ये कस्टर्ड डिज़र्ट कैसा लगा है। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।